हेलो स्टूडेंट्स मैं रमन कुमार फ्रॉम एकेडमी से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ये हमारी एकेडमी का यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करके आ, बेल आइकन को प्रेस करते कर सकते ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अगर फ्री कंटेंट चाह फ्री सॉरी अगर आप हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हो तो अबोर नाम की एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो जहाँ पे आपको हमारा पेड कोर्स मिल जाएगा और उसके बाद अगर आप फ्री कंटेंट चाहते हो तो टेलीग्राम के ऊपर इस लिंक से आप फ्री कंटेंट भी हमारे देख सकते हो और इसका सब्सक्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स और जो कि हमारा पीएसटेट टेट फर्स्ट एंड पीएसटेट टेट टू के लिए कॉमन रहेगा और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम जो टॉपिक है हमारा पीएस टेट और पीएस टेट टू फर्स्ट और टू दोनों के लिए हमारा इंपॉर्टेंट uh, है और दोनों का कॉमन रहेगा और जो हम करेंगे कोई भी, कर, भी टॉपिक करेंगे उसके जीरो लेवल से लेकर हम पीक लेवल तक लेकर जाएंगे ताकि आपको कहीं भी कोई भी परेशानी ना हो तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक नंबर सिस्टम तो देखिए हमारे टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम अब नंबर सिस्टम है तो नंबर्स के बारे में जानना है नंबर के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं डिजिट की डिजिट या उसको पंजाबी में बोलते हैं हम अंक अब डिजिट या अंक होता क्या है देखिए मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिंबल का जिन चिन्ह का यूज करते हैं उन्हें हम है डिजिट या अंक बोलते हैं वेरी गुड मॉर्निंग विशाल तो पूरे मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास टोटल दस डिजिट या दस अंक है जो कि जीरो से शुरू होकर नौ तक जाते हैं और इन्हीं नंबर से हम फॉर्मेशन करते हैं नंबर्स का इन्हीं डिजिट से हम फॉर्मेशन करते हैं नंबर्स का इन्हीं अंकों का यूज करके हम नंबर या फिर संख्या का फॉर्मेशन करते हैं संख्याओं को बनाते हैं तो बात करते हैं कि डिजिट तो हमारे पास क्या हो गए डिजिट हमारे पास सिंबल हो गए जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को तो नंबर्स अपने आप में क्या होंगे देखिए नंबर्स क्या होंगे नंबर होंगे अपने आप में कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट एग्जाम्पल देखिए मान लीजिए मैंने तीन डिजिट उठा लिए वन टू एंड थ्री तीन डिजिट है मेरे पास अपने आप में तीनों के तीनों अलग अलग है अगर मैं इनसे नंबर बनाना चाहूं अगर मैं इससे संख्या बनानी चाहूं तो कितनी संख्या बना सकता हूं तो देखिए मेरे पास तीन अंक है तीन मेरे पास डिजिट है और इसकी नंबर की हमने डेफिनेशन लिखी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करते हैं तो मैं वन टू थ्री भी लिख सकता हूं वन थ्री टू भी लिख सकता हूं टू थ्री वन भी लिख सकता हूँ और टू वन थ्री भी लिख सकता हूँ इसके अलावा और भी लिख सकता हूं तो देखिए मैंने यहाँ पे इन तीनों अंकों को या तीन डिजिट को मैंने क्या किया कंबाइन किया तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा नंबर बन गया एक पूरी की पूरी संख्या बन गई तो यही हमारे पास डेफिनेशन नंबर की कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट तो अब एक बात और कि अगर हमारे पास अकेला एक है तो क्या ये नंबर है या नहीं हाँ ये भी हमारे पास क्या होएगा नंबर होएगा अपने आप में ये भी नंबर है तो कोई भी डिजिट सिंगल डिजिट को हम क्या बोल सकते हैं सिंगल डिजिट को भी हम नंबर बोल सकते हैं अब अगर हम जब नंबर की बात कर रहे हैं तो आगे हम बात करते हैं कि नंबर कितने प्रकार होते कितनी के होते हैं कितने टाइप्स के नंबर होते हैं तो जो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर टाइप्स ऑफ नंबर्स टाइप्स ऑफ नंबर पंजाबी में लिखेंगे हम संख्या दे प्रकार तो सबसे पहली जो टाइप रहेगी हमारे पास वो है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर या पंजाबी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्या अब नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या होती है अमित वर्मा थैंक्स तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं उसकी बात करते हैं तो देखिए हमें पता है कि आ, हमें कोई भी चीज काउंट करनी है अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास नोटबुक है और नोटबुक में आपके पास पेजेस है अगर उन पेजेस को मैं आपको काउंट करने के लिए बोलूं तो आप कैसे काउंट करोगे या फिर आपके आसपास कोई भी चीज है जो काउंट हो सकती है वो मैं आपको काउंट करने के लिए बोलूं तो आप कैसे काउंट करोगे बताइए कमेंट करके मान लीजिए आपके पास नोटबुक है और नोटबुक नोटबुक में जो पेजेस है उन पर नंबर तो लिखे नहीं पेज पेजेस के नंबर तो लिखे नहीं अगर वो काउंट करने तो आप कैसे करोगे वन टू थ्री फोर फाइव वेरी गुड प्रवीण खुराना तो कोई भी चीज है जो हम वन से स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या अब बात देखते हैं कि अगर एक से शुरू तो कर लेते हैं हम पर इनको खत्म कहां पे करेंगे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को खत्म कहां पे करेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होती है कहां तक जाती है अनगिनत तक जाती है अनगिनत या फिर इंग्लिश में इनको बोल देंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो ये जो साइन है वो है इनफाइनाइट या अनगिनत तो अब एक बात देखिए कि जब पुराने टाइम में कोई भी चीज काउंट करनी होती थी तो लोगों का नेचर बन गया था एक बन गई थी कि वो कोई भी चीज को कहां से स्टार्ट करते थे एक से तो उनका जो नेचर था प्राकृति थी वो कुछ इस तरह की थी कि वो एक से स्टार्ट करते थे तो इसीलिए इन नंबर्स का नाम क्या पड़ गया नंबर सिस्टम सॉरी नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ नंबर है वो है हमारे पास होल नंबर होल नंबर या उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या के बारे में जानने से पहले हम दो चीज की और बात करते हैं एक होता है सक्सेसर और एक होता है हमारे पास एक होता है सक्सेसर, एक होता है प्रीडिसीजर। इसको सक्सेसर को हम पंजाबी में बोलते हैं अगेत्र और इसको हम बोलते हैं पिछेत्र अब अगेत्र और पिछेत्र या फिर सक्सेसर या प्रेडिसेसर का मीनिंग क्या वो जानते हैं तो कोई भी नंबर अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं मैंने फाइव लिख दिया और इसका हमने सक्सेसर जानना है सक्सेसर का मतलब अगेत्र जानना है तो अगेत्र कितना होगा तो देखिए जो भी नंबर लिखा उसमें आप एक ऐड कर दीजिए तो उस नंबर का क्या आ जाएगा हमारे पास सक्सेसर आ जाएगा या फिर अगेत्र आ जाएगा तो देखिए पांच का जो सक्सेसर हुआ अगेत्र हुआ, अगर मैं सिक्स का सक्सेसर बोलता हूं तो वो कितना आएगा वो आएगा हमारे पास सेवन इसी तरह से प्रीडिसीजर की, की बात करते हैं या फिर हम पिछेत्र की बात करते हैं तो पांच का पिछेत्र या पांच का प्रिडिस क्या आएगा देखते हैं जब भी हमें या पिछेत्र का जानना है तो हम क्या करेंगे माइनस ए कर देंगे तो पांच का पिछेत्र या हमारे पास कितना आ गया चार और चार का जानना है तो हम कितना करेंगे माइनस ए करेंगे वो कितना आ जाएगा तीन तो इसी तरीके से हमने होल नंबर के बारे में जानने से पहले क्या जाना था हमने जाना था नेचुरल नंबर के बारे में अगर मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर की एक बार दोबारा लिखता हूं उनको तो एक से शुरू किया था और हमने लिखा था कि वो कहां तक जा रही है इनफाइनाइट अब देखिए कि जो नेचुरल नंबर है ना उनमें हर एक नेचुरल नंबर का हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर है हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर है देखिए एक का सक्सेसर दो रहा दो का तीन तीन का आगे चार भी होगा आगे सो होगा तो सो का अगला सक्सेसर क्या होगा एक सौ एक भी होगा उसी प्रकार हर एक नेचुरल नंबर का हमें क्या मिल रहा है हर एक नेचुरल नंबर का हमें मिल रहा है एवरी नेचुरल नंबर प्रीडिसीजर देखिए अगर मैं 101 लिख रहा हूं तो 101 का प्रीजर कितना हो जाएगा 100 so, अगर मैं बात कर रहा हूं तीन की तीन का प्रर कितना हो जाएगा दो दो की बात कर रहा हूं तो हो गया एक पर जब हम बात करते थे किसकी एक की तो एक का कितना वो जानते हैं जब एक में से एक माइनस किया तो वहां पे एक नया नंबर आ गया नया डिजिट आ गया और इस उस डिजिट को हम क्या बोलते हैं जीरो उसको क्या बोलते हैं जीरो तो अब इन नेचुरल नंबर में हमने एक अंक या फिर एक डिजिट या एक नंबर ऐड कर दिया जो कि क्या हमारा जीरो है तो नेचुरल नंबर में एक जीरो ऐड करने पे ये जो नंबर्स बन गए तो इन नंबर्स का एक नया नाम हो गया और उस नाम को हमने क्या बोल दिया होल नंबर बोल दिया यहां तक क्लियर है तो अब जानते हैं जो नेक्स्ट टाइप है हमारी नंबर सिस्टम की या फिर नंबर्स की वो है हमारे पास तीसरी इंटीजर्स इंटीजर्स इनको पंजाबी में बोलेंगे संपूर्ण संख्या अब संपूर्ण का मतलब क्या होगा देखिए हमने बात की नेचुरल नंबर के बारे में होल नंबर की और होल नंबर को जानने से पहले हमने बात की सक्सेसर और की अगर मैं एक बार लिखता हूं नेचुरल नंबर वो थे हमारे पास एक से लेकर इनफाइनाइट तक ये थे हमारे नेचुरल नंबर जब इसमें मैंने जीरो एड कर दिया तो ये बन गए हमारे होल नम्बर्स। होल नंबर्स नंबर्स या फिर हमारी पूर्ण संख्या अब बात करते हैं कि जो हमने देखा था सक्सेसर और सक्सेसर और प्रिडिसर जो प्रोडिसीजर का कंसेप्ट था उसी से हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर पाए और उसी नेचुरल नंबर से हम क्या बनाए पाए थे? बना पाए पाए थे थे होल होल नंबर नंबर बना बना अब वही यूज करके हम से क्या बना देंगे इंटीजर बना देंगे क्या कंसेप्ट कि इस जीरो का देखा जीरो में से एक माइनस किया तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो आंसर कितना आया माइनस एक तो यहां पे मैंने लिखा माइनस एक फिर माइनस एक का प्रोडिस देखा मैंने माइनस एक और किया तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने अंदर रह गया वन प्लस वन जो कि होता है टू और बार माइनस है तो आंसर आ गया हमारा माइनस टू और इसी तरीके से आगे हम कंटिन्यू चलते गए और कहां तक चलते गए अगर जीरो से आगे हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो पीछे भी कहां तक जाएंगे हम इनफाइनाइट तक तो यहां हम कहां तक पहुंच गए इनफाइनाइट पर ये इनफाइनाइट कौन सा होगा नेगेटिव वाला तो बात देखते हैं कि जो इंटीजर है वो भी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं दो तरह के होते हैं दो टाइप्स होती हैं इनकी कौन कौन से हैं? तो पहली बात हमने जाना कि जो इंटीजर है वो कैसे होते हैं जो जीरो के दोनों साइड जाते हैं एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चलते गए और ये आ गया हमारा नेगेटिव इनफाइनाइट अब बात करते हैं कि जो इंटीजर है वो भी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से दो प्रकार है वो देखते हैं तो देखिए जो पॉजिटिव वाले हैं प्लस वाले हैं उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर या पंजाबी में बोल देंगे धनात्मक संपूर्ण संख्या और जो नेगेटिव वाले हैं उनको हम बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर और पंजाबी में बोल देंगे ऋणात्मक संपूर्ण संख्या पॉजिटिव नेगेटिव वेरी गुड तो बात करते हैं कि अगर प्लस वालों को हमने पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया और माइनस वालों को नेगेटिव इंटीजर बोल दिया तो बीच में रह गया जीरो ये जीरो किसके साथ जाएगा ये जीरो किसके साथ जाएगा ये पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव ये, ये पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव बोलिए तो ये जीरो है ये ना तो पॉजिटिव होएगा ये ना तो पॉजिटिव होएगा ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव कि ना तो पॉजिटिव है ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक ये क्या होगा ये न्यूट्रल होएगा ये न्यूट्रल होएगा कुछ भी नहीं प्रवीण ओके तो अभी इन इंटीजर में हमें एक नई बात देखते हैं वो नई बात क्या है तो देखिए जो हमारे पास <coughs> ये पॉजिटिव इंटीजर है जिनको हम धनात्मक संपूर्ण संख्याएं बोल रहे हैं तो वहां कहां से स्टार्ट हो रही है अगर देखें तो इनको एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा रही है एक से शुरू होकर तक जा रही है। अगर हम पीछे जाएं पिछली स्लाइड पर जाएं तो हमने देखा है वो भी अपने आप में क्या होनी चाहिए नेचुरल नंबर तो जो पॉजिटिव इंटीजर है तो उनका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या या क्या बोलेंगे प्राकृतिक संख्या तो अब आगे देखिए कि अगर जो हमारे पास नेचुरल नंबर है उनको हम क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर को को नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर बोला तो को भी तो भी हम बोल सकते हैं अब एक बात और कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर थे उनको हम काउंटिंग नंबर भी बोल रहे थे तो पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर अगर पॉजिटिव इंटीजर को कुछ कुछ बोल सकते हैं तो हम नेगेटिव इंटीजर को भी कुछ न कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे देखिए अब नेगेटिव इंटीजर आप देखिए कहां से स्टार्ट हो रहे हैं ये हो रहे हैं एक से और कहां तक जा रहे हैं तक पर इन सभी रही है माइनस है और हमने देखा जो एक से लेकर इन तक जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर उनको क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर पर इनके आगे माइनस है तो माइनस वाला तो नेगेटिव हो जाता है तो इनको कौन सा बोल देंगे हम नेगेटिव नेचुरल नंबर या फिर क्या बोल देंगे ऋणात्मक ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या या फिर क्या बोल देंगे नेगेटिव काउंटिंग नंबर नेगेटिव काउंटिंग नंबर यह है हमारा इंटीजर अब आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइप है हमारे नंबर्स की संख्या की अगली जो टाइप है उसकी बात करते हम वो है हमारे पास रेशनल नंबर रेशनल नंबर या इनको हम पंजाबी में बोलेंगे प्रिमेय संख्या प्रिमेय संख्या तो देखिए प्रिमेय संख्या होती क्या है कोई भी संख्या जिसको पी बटा क्याऊ के रूप में लिखा जा सके कोई भी संख्या जिसको पी बटा क्याऊ के रूप में लिखा जा सके अब पी बटा क्याऊ के रूप में लिखना है अनमोल बुल्लर पी बाय क्यू फॉर्म और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो वेरी गुड तो देखिए पी बटे क्याऊ के रूप में लिखा जा सकता है अब एक कंडीशन और है क्या कंडीशन है दो कंडीशन रहेगी पहली कंडीशन ये है कि जो ये क्या होगा क्यों होगा हो वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो देखिए अगर एक संख्या को ऊपर लिख रहे हैं एक नीचे लिख रहे हैं तो ऊपर वाली का अपने आप में कोई ना कोई नाम होएगा और नीचे वाली का भी अपने आप में कोई ना कोई नाम होएगा तो ऊपर वाली को हम बोलते हैं अंश या फिर इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमिनेटर और नीचे वाली को हम बोलते हैं हर या इंग्लिश में बोलेंगे डिनोमिनेटर अब रेशनल संख्या को पी बटा क्या के रूप में लिखने के लिए दो कंडीशन है उन कंडीशन में से पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए कि क्यू की वैल्यू कभी भी हर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए इंटीजर या हम पंजाबी में बोल सकते हैं कि दोनों को दोनों क्या होनी चाहिए संपूर्ण संख्या होनी चाहिए अब संपूर्ण संख्या क्या थी अगर बात करें तो संपूर्ण संख्या वो थी जो जीरो से दोनों साइड जा रही थी एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में तो देखिए अगर मैं कोई भी दो इंटीजर ले लेता हूं एक मैंने माइनस फाइव ले लिया और एक मैंने प्लस का सेवन ले लिया इनसे एक मैंने क्या बनाना है रेशनल नंबर बनाने या संख्या है तो कैसे बना सकता हूं जैसे मर्जी बना दो माइनस फाइव डिवाइड बाई सेवन कर दो या सेवन डिवाइड बाई माइनस फाइव कर दो तो ये क्या है हमारे पास एक रेशनल नंबर है क्या है हमारे पास एक रेशनल नंबर है यहां तक क्लियर है यहां तक किसी को डाउट हो तो अब देखते हैं कि पी और Q इंटीजर क्यों होने चाहिए पी और Q इंटीजर जो कंडीशन है हमारी दो नंबर कि पी और क्यू है दोनों के दोनों एक ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या दोनों के दोनों हमारे पास इंटीजर क्यों होनी चाहिए तो देखिए ठीक है प्रवीण तो देखिए अगर मैं इनको इंटीजर नहीं लेता हूं मान लो मैं इनको इंटीजर नहीं लेता हूं मैंने पी की वैल्यू मान ली 0.5 और क्यू की वैल्यू मैंने मान ली वन अब दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये हमारे पास क्या बन गया एक रेशनल नंबर या प्रिमे संख्या तो अब एक बात देखिए कि यहां से मैंने क्या करना है डेसिमल खत्म करना है और यहां से डेसिमल खत्म करना है तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा डेसिमल तो खत्म हो जाएगा और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 5 अपॉन थर्टीन आ गया तो तो ये हमारे तो पास क्या है है इंटीजर और ये भी हमारे पास क्या इंटीजर है दोनों के दोनों इंटीजर आप कोई भी वैल्यू लेके चलो कोई भी वैल्यू लेके चलो चाहे उसमें पॉइंट है ना है आपका लास्ट में क्या बन जाएगा वो इंटीजर ही बन जाएगा एक एग्जांपल और देखिए यहां तो मैंने दोनों में डेसिमल लगा दिया अगर एक में डेसिमल हो अगर मैं पी की वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन ले रहा हूं और क्यू की वैल्यू मैं कुछ और ले रहा हूं थर्टीन ले रहा हूं तो अब हमारे पास जो रेशनल नंबर आएगा वो क्या होगा देखिए

ये जो दस लगाया है इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए मैं नीचे भी क्या लगाऊंगा एक दस लगाऊंगा दस क्यों लगाया ताकि जो ऊपर दस लगाया उस दस का नीचे वाला दस क्या कर दे इफेक्ट कैंसिल कर दे कि लास्ट में हमें क्या मिल मिल जाए वापस वही वैल्यू जो शुरू में थी by 13 मिल रही है तो ऊपर हमने तो क्या खत्म करना था डेसिमल तो डेसिमल खत्म करके देखते हैं तो जीरो पॉइंट सेवन डिवाइड बाई थर्टीन ये मैंने पॉइंट पॉइंटाने के लिए दस से मल्टीप्लाई किया तो दस से नीचे भी करूंगा ताकि ऊपर वाले दस का कोई इफेक्ट ना रहे

क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो की क्यू दी क्यू की वैल्यू है जो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए अभी क्यों नहीं होनी चाहिए मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं हमारे पास एक ब्रेड है हमारे पास एक ब्रेड है और उस ब्रेड को दो जनों में बांटना है हमने तो हम क्या करेंगे और इक्वल पार्ट्स में बांटना है तो क्या करेंगे वन बाई टू करेंगे दो जनों में बांट दिया अगर तीन में बांटना है तो मैं क्या करूंगा वन बाई थ्री अगर मैं चार में बांटूंगा तो क्या करूंगा एक बटे चार अगर पांच में बांटूंगा तो एक बटे पांच अगर कोई मेरे को आकर बोल तो दे कि इसी इसी ब्रेड ब्रेड को प्रेड को हमने कितने जनों में बांटना है जीरो जनों में बांटना है कितने आदमियों में जीरो आदमियों में फिर इसको हम कैसे बांट सकते हैं तो मैंने लिखा कि एक ब्रेड को जीरो आदमियों में बांटना है तो मैंने जीरो से डिवाइड किया तो हर एक आदमी को कितना कितना आएगा हर एक वेरी गुड मॉर्निंग एस के तो हर एक आदमी को कितना कितना हमारे पास ब्रेड मिलेगा ये तो हम बता ही नहीं सकते नॉट डिफाइन है कि हर एक आदमी को जीरो जीरो ब्रेड मिलना सॉरी एक ब्रेड जीरो आदमियों में बांटना है तो हर एक आदमी को कितना ब्रेड आएगा कोई बता सकता है तो कोई भी चीज जीरो में तो डिवाइड हो ही नहीं सकती अगर जीरो में डिवाइड नहीं होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे उसको बोल देंगे कि वो चीज हमारे पास क्या है नॉट डिफाइन है तो ये क्या हो जाएगी Not और नॉट डिफाइन को हम बोल सकते हैं कि परिभाषित नहीं किया जा सकता परिभाषित नहीं किया जा सकता तो अब रेशनल नंबर की हमारे पास दो कंडीशन थी क्या थी Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और P और Q दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए इंटीजर इतनी बात क्लियर है अनमोल हाँ, बुल्लर नॉट डिफाइन को इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं इज़ इक्वल टू या एनीथिंग बाय इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट ऊपर आप कुछ भी लिख दो नीचे नीचे जीरो आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइन या फिर क्या बोल देते हैं इनफाइनाइट तो नेक्स्ट है ये जो रेशनल नंबर है ना काफी लंबा चौड़ा है तो इसमें टाइम जाएगा तो देखते हैं इसी के बारे में और क्या है कि हमें देखा कि कोई भी रेशनल नंबर है या फिर कोई भी प्रिमेय संख्या है उसको हम पी बटा क्या के रूप में लिख सकते हैं और कंडीशन हमने इसकी जान ली अगर मैं कोई भी प्रिमेय संख्या उसको पी बटा क्या के रूप में लिख रहा हूं फिर तो विजिबल है तो देखिए हमें पता है कि रेशनल नंबर को हम पी बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर मैंने लिखा एक नंबर एक बटे तीन तो पी बटा क्यों के रूप में हो गया ऊपर वाली संख्या पी और नीचे वाली संख्या हमारी क्यू तो रेशनल नंबर बन गया हम बता सकते हैं कि पक्का एक रेशनल नंबर है अगर इसी तरह से हम वन को थ्री से डिवाइड करके देखें वन को थ्री से डिवाइड करके देखे तो आंसर कितना आएगा मैंने जीरो पे चलाया जीरो आया एक नीचे डेसिमल लगाया जीरो आया थ्री थ्री जा नाइन फिर एक आया फिर मैंने जीरो लगाया थ्री थ्री जा नाइन फिर हमारे पास एक फिर बच गया तो ऐसे चलता जाएगा कैसे आता जाएगा पॉइंट थ्री 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 तो यहां से हमने क्या जाना कि जब भी हम रेशनल नंबर को लिखेंगे पी बटा क्या की फॉर्म में अगर पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख दिया तो ऊपर वाली संख्या वो नीचे वाली संख्या से पक्का भाग होगी और भाग होगी तो पक्का उसमें क्या आएगा आएगा डेसिमल ठीक है तो जो रेशनल नंबर है उसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं एक तो हम एक तो हम पी बटा क्यू के रूप में एक तो पी बटा क्यू के रूप में और दूसरा हम डेसिमल फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में या फिर दशमलव रूप में कि जो रेशनल नंबर है वो हमें दो प्रकार से दिखाई दे सकता है या तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा या फिर वो रेशनल नंबर होगा या तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा या वो रेशनल नंबर होगा सॉरी डेसिमल फॉर्म में होगा या फिर दशमलव रूप में होगा अगर हमारे पास दशमलव रूप काफी सारे हैं मान लीजिए मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं पहली ऑप्शन है मैंने लगाया जीरो पॉइंट एट 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 और ये आगे तक चलता गया फिर मैंने लिखा जीरो पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव एट नाइन सिक्स टू थ्री फिर मैंने लिखा जीरो पॉइंट वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री और ये ऐसे आगे तक चलता गया फिर मैंने जो फोर्थ है इसकी ऑप्शन वो मैंने लिखी जीरो पॉइंट वन सिक्स एट नाइन थ्री टू एट जीरो और ये भी आगे तक चलता गया सभी के सभी हमारे पास रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और सभी के सभी रेशनल नंबर नहीं भी हो सकते या फिर इनमें से कुछ रेशनल नंबर हो सकते हैं और कुछ रेशनल नंबर नहीं हो सकते अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है तो पक्का उसको बा कर सकते हैं और बा करने के बाद पक्का डेसिमल आएगा और डेसिमल चार प्रकार से आ सकता है तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशल नंबर नहीं है पी बाई क्यू की फॉर्म में जानना बहुत आसान है अगर दशमलव रूप में आ जाए तो उनको चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास वो रेशन नंबर है या नहीं और दशमलव रूप में या डेसिमल फॉर्म में उस रेशन नंबर को पहचानने के लिए हमारे पास रेशन नंबर की कुछ आइडेंटिटीज है आइडेंटिटीज मतलब पहचान है और उन पहचान के बारे में हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर नहीं ये रेशनल है ये भी रेशनल है ये भी रेशनल है ये इरेशनल है डी ऑप्शन इरेशनल है अब कैसे पहचानोगे वही मैं आपको पहचान बताऊंगा इनकी आइडेंटिटीज बताऊंगा तो देखिए आइडेंटिटीज ऑफ रेशनल नंबर या फिर लिखेंगे प्रिमेय संख्या की पहचान प्रिमेय संख्या की पहचान तो देखिए जो फर्स्ट आइडेंटिटी है रेशनल नंबर को पहचानने के लिए वो क्या है जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर बोल देंगे शांत दशमलव पंजाबी में क्या बोल देंगे शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव का मतलब क्या है? वो देखते हैं जैसे मान लीजिए आप कोई एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग कर रहे हो जैसे मैंने लिख दिया दो बटे पांच मैंने लिख दिया दो बटे पांच अब जब मैंने दो को पांच से भाग किया तो इसका आंसर आया जीरो पॉइंट चार जीरो पॉइंट चार टर्मिनेटिंग दशमलव एक एग्जाम्पल दी कि जब मैंने दो को पांच से बा किया तो कितना आया जीरो पॉइंट चार आया तब देखिए पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद एक जगह पे रुक रहा है मतलब अपने आप में क्या ये शांत है इसको क्या बोलते हैं शांत कि जब भी डेसिमल आ जाए और डेसिमल के बाद बा करने के बाद कोई भी संख्या एक जगह पे जाके रुक जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं शांत दशमलव क्या बोलेंगे शांत दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल अब देखना किसको है जो हमारे पास डेसिमल होएगा डेसिमल के राइट साइड देखना है लेफ्ट साइड से हमने कुछ लेना देना नहीं केवल और केवल हमने किसको चेक करना है चेक ओनली राइट साइड लेफ्ट से हमने कुछ लेना देना नहीं एक एग्जांपल और लिखते हैं मैंने लिख दिया वन बाय फोर आंसर आएगा काटने के बाद जीरो पॉइंट टू फाइव तो जीरो पॉइंट टू फाइव हमारे पास क्या है शांत दशमलव है अगर मैं लिख देता हूं वन बाई फाइव तो आंसर आएगा हमारे पास वन बाई फाइव का जीरो पॉइंट बीस तो ये क्या है हमारे पास शांत दशमलव है और जितने भी हमारे पास शांत दशमलव होंगे जितने भी शांत दशमलव होंगे सभी के सभी क्या होंगे रेशनल नंबर सभी के सभी क्या होंगे रेशनल नंबर जैसे देखिए हमारे पास नेचुरल नंबर है या फिर जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या है हमारे पास जैसे हमारे पास एक है दो है तीन है जो भी है ठीक है तो ये अपने आप में शांत है एक जगह पे रुका हुआ है पर आप बोलोगे इसमें क्या नहीं है डेसिमल नहीं है अगर मैं एक के बाद डेसिमल लगा दूं और जीरो लगा दूं तो जीरो तो जगह पे रुक रहा है तो क्या हो गया ये शांत हो गया दो है तो दो को मैं क्या लिख सकता हूं दो पॉइंट जीरो लिख सकता हूं और जीरो एक जगह पे जाकर रुक रहा है तो क्या है शांत है तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर टर्मिनेटिंग है उनके बाद डेसिमल लगा के हम जीरो लगा सकते हैं पर लगाते नहीं लगा सकते हैं पर लगाते नहीं अगर नेचुरल नंबर टर्मिनेटिंग तो अपने आप में क्या हो गए नेचुरल नंबर अपने आप में रेशनल नंबर हो गए क्या हो गए रेशनल नंबर फिर हम बात करते हैं होल नंबर की होल नंबर भी अपने आप में क्या होंगे होल नंबर या पूर्ण संख्या अपने आप में क्या होगी जैसे मैंने माइनस चार लिख दिया और मैंने दस लिख दिया माइनस चार के बाद कुछ नहीं है तो मैं पॉइंट जीरो लगा सकता हूं दस के बाद पॉइंट लगा सकता हूं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है शांत दशमलव है अगर शांत दशमलव है तो होल नंबर भी अपने आप में क्या हुए होल नंबर भी अपने आप में रेशनल नंबर हुए ये भी अपने आप में क्या है रेशनल नंबर या प्रिमे संख्या है तो अगर मैं बात करता हूं इंटीजर की मैं बात करता हूं इंटीजर की इंटीजर मतलब संपूर्ण संख्या तो सॉरी पीछे हमने होल नंबर किया ना होल नंबर में तो नेगेटिव आता नहीं सॉरी सॉरी होल नंबर कहां से शुरू जीरो से जीरो एक दो तीन टू इनफाइनाइट कोई भी नंबर उठा लीजिए बाद में डेसिमल तो तो इंटीजर इंटीजर दोनों साइड जाएंगे अब दोनों साइड में से कोई भी आप एक नंबर उठा लो कोई भी आप एक संख्या उठा लो और उसके बाद आप जीरो लग... डेसिमल लगा के आप पॉइंट ल... जीरो लगा दो जैसे मैंने उठाया सो एक सो उठाया मैंने प्लस का एक उठाया मैंने माइनस का अगर मैं माइनस वाले के बाद डेसिमल लगा के जीरो लिख देता हूं और प्लस वाले के बाद डेसिमल लगा के जीरो लिख देता हूं तो जीरो एक जगह पे रुक रहा है रुक रहा है मतलब अगर है? है, है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है इंटीजर तो इंटीजर टर्मिनेटिंग होने के बाद क्या बन गए रेशनल नंबर क्या बन गए रेशनल नंबर मतलब प्रिमेश संख्या तो हमने यहां से क्या जाना हमने जाना जो हमारे पास नेचुरल नंबर है जो हमारे पास होल नंबर है जो हमारे पास इंटीजर है या फिर इनको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या और संपूर्ण संख्या सभी के सभी अपने आप में क्या है टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग है हम बोल देंगे शांत है और शांत किसकी पहचान होती है शांत दसमलव तो हमारे पास पहचान होती है शांत दशमलव तो पहचान होती है रेशनल नंबर की तो टर्मिनेटिंग है तो सभी के सभी क्या हो गए रेशनल नंबर हो गए या फिर बोल सकते हैं प्रिमेय संख्या बन गए तो जितने भी नेचुरल नंबर है जितने भी हमारे पास होल नंबर है जितने भी इंटीजर है सभी के सभी टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग है तो सभी के सभी क्या है रेशनल नंबर है मतलब प्रिमेय संख्याएं हैं तो सबसे पहली पहचान हमने जान ली रेशनल नंबर की क्या थी टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर हमारे पास शांत दशमलव और जो दूसरी इसकी पहचान होगी वो पहचान है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग को लिखेंगे अशांत अते आवर्ती दशमलव अते आवर्ती दशमलव तो इसमें देखिए मैंने आपको रेशनल नंबर की पहचान बताई पहली क्या थी शांत दशमलव अगर वो शांत नहीं होएगा, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होता होएगा तो वो क्या बन जाएगा इरेशनल, पर मैंने तो यहां पे लिख दिया कि अगली है, हमारे पास अशांत की अगर अशांत हो गया तो वो हमारे पास अब रेशनल कैसे बनेगा इरेशनल बनना चाहिए थैंक यू मनीषा साई तो वो तो इरेशनल बनना चाहिए पर यहां पे क्या है कि डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर वो साथ में क्या है रिपीट भी कर रहे हैं जो डेसिमल है वो रिपीट भी कर रहे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया कि कहीं पे रुकेगा नहीं साथ में क्या वो रिपीट कर गया तो इसको हम क्या लिख देंगे जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दीजिए तो जीरो पॉइंट चार के ऊपर बार तो ये हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है तो नेक्स्ट जो हमारे पास है इसकी पहचान है नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड स्ट्रिंग रिपीटिंग स्ट्रिंग रिपीटिंग डेसिमल या फिर क्या बोल देंगे अशांत अ लड़ीवार आवर्ती दशमलव इसका मतलब क्या होगा देखिए अगर मैंने डेसिमल लगा दिया कि जब दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो बीच में एक डेसिमल आएगा और डेसिमल के बाद एक स्ट्रिंग रिपीट करेगी और वह कहां तक जाएगी इनफाइनाइट तक मतलब वो कभी रुकेगी नहीं शांत नहीं होएगी तो देखिए जैसे वन टू थ्री आया उसके बाद भी वन टू थ्री उसके बाद भी वन टू थ्री उसके बाद भी वन टू थ्री और ये आगे तक चलता गया कभी रुका ही नहीं तो ये हमारे पास क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकेगा नहीं और स्ट्रिंग मतलब एक लड़ी रिपीट होगी जैसे वन टू थ्री की एक स्ट्रिंग बन गई वन टू थ्री की एक स्ट्रिंग बन गई और वो वन टू थ्री बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे कि जब भी हमारे पास ये फॉर्म दिखाई दे तो उसको बोल दें कि ये क्या है हमारे पास नेचुरल सॉरी रेशन नंबर होंगे ये तो थी हमारे पास तीन पहचान रेशनल नंबर की अब बात करते हैं सर तो अब रेशनल नंबर में और कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं तो देखिए आपने सुना होगा परफेक्ट स्क्वेयर वैल्यूज परफेक्ट स्क्वेयर वैल्यूज या फिर पूर्ण वर्ग जितने भी पूर्ण वर्ग या जितने परफेक्ट स्क्वेयर होंगे हमारे पास सभी के सभी क्या होंगे सभी के सभी हमारे पास परिमेय संख्या फिर हमारे पास रेशनल नंबर होंगे एग्जांपल मैंने लिखा वर्गमूल एक मैंने लिखा वर्गमूल दो मैंने लिखा वर्गमूल तीन वर्गमूल चार वर्गमूल पांच वर्गमूल सात आठ और नौ अब देखिए हमें पता है वर्गमूल एक तो एक होएगा वर्गमूल दो का हमें पता नहीं वर्गमूल तीन का पता नहीं वर्गमूल चार दो होएगा पांच छह सात आठ का पता नहीं और नौ कितना होएगा हमारे पास थ्री तो जिनका हमें वर्गमूल पता होता है वो हमारे पास क्या होते हैं पूर्ण वर्ग ये हमारे पास क्या पूर्ण वर्ग और जितने भी हमारे पास पूर्ण वर्ग होंगे सभी, के सभी, क्या सभी, के सभी रेशनल जितने भी है, सभी के सभी क्या हो जाएंगे? रेशनल तो जिनका वर्गमूल हमें पता नहीं होता जिनका वर्गमूल हमें पता नहीं है उनको हम क्या बोल देंगे सभी को सभी को अपूर्ण वर्ग वर्ग या फिर नॉन परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वे तो आज यहां तक कंप्लीट करते हैं ये हो गया हमारा हमारे पास नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर और रेशन नंबर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे थैंक यू